अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा EXI सर्वर वी स्फीयर EXI सर्वर 7.03 अपडेट्स के अंदर वर्चुअल मशीन को कैसे क्रिएट करते हैं। तो वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ऑन कर लेना है। कि गूगल क्रोम मैंने ऑन कर लिया अपने पास। यहाँ पर मेरे सर्वर की जो आईपी है वो मैं यहाँ आईपी लिखूँगा। ये मेरे सर्वर की आईपी है। ये मेरे पास सर्वर ऑन सर्टिफिकेट का एरर दे रहा, तो मैं इसको एडवांस में जाके और सेव टू अनसेव पे क्लिक कर दूँगा। ये मेरे पास इससे सर्वर का लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा रूट, पासवर्ड डालूँगा जो मेरा पासवर्ड है। आप लोग अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपका पासवर्ड सेट हो। ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद ये मेरे पास इंटरफेस आ गई एक्सेस सर्वर। ये देखिए मेरे पास 7.0 अपडेट 3 है मेरे पास। आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि 7.03 तो अगर मैं यहाँ जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस पर स्टार्ट करता हूँ कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं इसमें वर्चुअल मशीन। सबसे पहले हमें करना क्या, सबसे पहले हमने जाना है वर्चुअल मशीन के ऊपर। उसके बाद क्लिक करेंगे क्रिएट रजिस्टर यन पे। तो यहाँ से मैं दिखा भी देता हूँ क्रिएट रजिस्टर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कस्टम में क्लिक करना रजिस्टर पे। फिर उसके बाद हम यहाँ जाएंगे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे। यहाँ कुछ भी मैं इंस्टॉल करूँ क्रिएटर्स क्लिक साइन। क्लिक करेंगे टेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मुझसे मशीन का नाम पूछेगा वो, तो मैं यहाँ पर मशीन का नाम देता हूँ लाइक स्माइल आईटी सॉल्यूशन, ठीक है। स्माइल आईटी सॉल्यूशन में मैं मशीन का नाम लिख दिया। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट बताऊँगा। यहाँ पर मैं इसको लास्ट अपडेट रखूँगा और गेस्ट वर्स पर नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे जाना है। हमें विंडोज कर दी है इसमें, तो हम विंडोज करेंगे। अगर आप लिनक्स लिनक्स के लिए बनाना तो लिनक्स कर लेंगे। अगर आपने मैक वर्स आना तो मैक वर्स आ देंगे। लेकिन हमने विंडोज़ करनी है तो विंडोज़ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके मेरे को विंडोज़ फोन से सॉल्व करनी है, तो मैंने यहाँ पर जाकर विंडोज सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने विंडोज सर्वर 2022 सॉल्व करनी है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने इसका नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर मुझसे वो कह रहा है डेटा स्टोर आपका कौन सा है। डेटा स्टोर में आप मेरे पास दो डेटा स्टोर आ रहे हैं, एक रीम का आ रहा है और एक डेटा स्टोर वन आ रहा है। आप पर जो अगर आपने न्यू फर्जिंग की है तो आपके पास डेटा स्टोर वन आ रहा होगा, तो आपने डेटा स्टोर वन पर रखना है। मे बी डेटा स्टोर वन पर रखना तो नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर CPU आपने कितने दिनों इसको बाई डिफॉल्ट CPU 2 उठाएँ। विंडोज सर्वर 2022 की रिक्वायरमेंट है CPU 2, तो हम CPU 2 उठाएँ। रैम इसको 4GB दे देंगे, नो इशू। अगर आपके पास हार्ड डिस्क आपके पास स्पेस अगर हार्ड डेटा स्टोर आपका अच्छा है तो उसमें हार्ड डिस्क बड़ी भी दे सकते हैं। वैसे मेरे पास छोटी हार्ड ड्राइव है, तो मैं इसको 50GB पे ले लूँ। 50GB पे लेते हैं इसको कर दूँ। और उसके बाद दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप हार्ड डिस्क को 50GB करने या 50GB करने के बाद इसको थिन टू करने के बाद हमें यहाँ पे जाना है। यहाँ पे हमने ISO फाइल देनी है डेटा स्टोर ISO फाइल। मेरे पास ISO फाइल मेरे पास ये रखी हुई विंडोज सर्वर 22B ISO फाइल पड़ी है मेरे पास, ठीक है। ISO फाइल अगर आपके पास नहीं है तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ ISO फाइल होगी, आप उसको ISO फाइल दे देंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी अपडेट है, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। USB 3.0, ठीक है। और सारी सेटिंग आपने इसको आपको चेंजेस नहीं करनी है, आपने सिंपल नेक्स्ट कर देना है। हाँ एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, उसके इसका आपने नेटवर्क एडाप्टर आपने नहीं करी। मेरे पास दो नेटवर्क आ रहे हैं, एक VM नेटवर्क और एक इंटरनल। आपने VM नेटवर्क सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपके पास VM नेटवर्क ही आ रहा होगा, ये मेरे पास दो नेटवर्क कार्ड है इसलिए यहाँ दो दिखा रहा है। तो आपने VM नेटवर्क पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना, उसके बाद इसको फिनिश कर देना। ये मैंने फिनिश कर दिया है। तो ये देखें स्पाइल आईटी सॉल्यूशन मेरे पास वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें मैं इसको क्लिक करूँगा पावर ऑन, ठीक है। मशीन में एक बार रन हो चुकी है। विंडोज अभी इसमें मैं नहीं कर रहा, ये देखें मेरे पास मशीन बन के आ गई,
अगर आप चाहें इससे विंडोज़ करनी है तो दोबारा इसको भी शट डाउन करता हूँ, इसको दोबारा ऑन देता हूँ, उस पर क्लिक कर देता हूँ बेस एनर्जी। ये देखिए मेरे को सॉल्यूशन शुरू हो गई है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।